दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने 60 क्रेडिट कार्ड के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूं आप पहला क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं, चाहे आपका उम्र 18-19 साल ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं तो भी किस तरीके से पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और यहाँ पे जो भी बताने वाला हूँ वो सब मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस होने वाला है क्रेडिट कार्ड बनवाने का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और अगर एक बार में समझ ना आए तो रिपीट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो देखने के बाद जरूर आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आज के समय में 3-4 तरीके से आप पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका आ जाता है सिविल बेसिस क्रेडिट कार्ड। इस तरीके से आपका उम्र चाहे 18 साल ही क्यों ना हो, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहला काम करना होगा आपको सिविल बनाना होगा, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक अगर आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो ये देखना चाहता है आप पहले से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड होता है तो वो अगला बैंक बड़े ही आसानी से अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम 2000 वाला कोई एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, और घबराइए नहीं, यहाँ पे 2000 रुपए आपका खर्चा नहीं हो रहा है। मान के चलिए आपने 2000 का कोई एफडी वाला कार्ड ले लिया, जो कि कार्ड इंस्टेंट आपको जनरेट होकर के मिल जाता है। उसके बाद आप चाहे तो वो जो 2000 रुपए कार्ड में आपको मिला है वो जीरो चार्जेस के ऊपर किसी भी एप्लीकेशन से आप पैसे को निकाल लीजिए, जिससे कि आपने जो 2000 लगाया वो आपके सेविंग अकाउंट में आ गया, यानी कि आपके जेब से कुछ भी नहीं गया और उधर आपका सिविल भी बन रहा है। तो मैं मान के चलता हूं आपने कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड यानी कि 2000 एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया। और बेस्ट कार्ड की बात करूं तो यहां पे वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अब 5000 का हो चुका है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट वाओ क्रेडिट कार्ड अभी 2000 के अंदर मिल रहा है, तो वो कार्ड ले सकते हैं, बड़े ही आसानी से इंस्टेंट वर्चुअल जनरेट होकर के मिल जाएगा। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पे अगर आप 5000 रुपए स्पेंड कर सकते हैं, स्पेंड का मतलब यही है कि उतना आपको तुरंत लगाना पड़ेगा, लेकिन तुरंत कार्ड में मिल जाएगा, उसे आप बाद में निकाल सकते हैं। खैर 5000 रुपए लगाना चाहते हैं तो वन कार्ड मेटल क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहने वाला है। इसी के साथ साथ कोटक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, सारे कार्ड इंस्टेंट जनरेट होकर के आपको मिलेंगे। चलिए मैं मान के चलता हूं आपका उम्र 18 साल है, आपने एक एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया, सिविल बनते हुए 6 महीने हो चुके हैं, सिविल 750 हो चुका है, अब आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है। देखिए दोस्तों ऐसे सिचुएशन में मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे ही आपका उम्र 18 साल होता है आप दूसरे ऑप्शन को भी इनेबल करके रखे। कहने का मतलब यह है कि कोई एक प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट खुला करके जरूर रखे। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कोटक का जीरो बैलेंस अकाउंट, क्योंकि वहां पे प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या डेबिट कार्ड ईएमआई आने के भी ऑप्शन रहते हैं, ऑफर आते रहते हैं। तो आप 18 के एज में ही इनमें से किसी भी बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुला करके रखेंगे, जिससे कि आगे चल के क्रेडिट कार्ड मिलने में हेल्प हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अब क्या करना है। देखिए अब उम्र आपका 18.5 हो चुका है, सिविल बन चुका है, आपके प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, सबसे पहले उस बैंक में ट्राई करेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। फिलहाल के समय में 21 साल के अंदर आपको सिर्फ 2 बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकता है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा जो भी बैंक है जो क्रेडिट कार्ड देता है उसके लिए मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। तो एक्सिस में आपको ट्राई करना है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और अगर आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग ठीक ठाक है तो बड़े ही आसानी से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के इंस्टेंट जनरेट होकर के मिल जाएगा। 4 से 5 घंटे में कार्ड जनरेट हो जाता है, लेकिन आपको कार्ड एक्सिस के वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करना है आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू। सभी को फ्लिपकार्ट के ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन मैं डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके फ्लिपकार्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे तुरंत कार्ड जनरेट होकर के मिल जाएगा। चलिए ये तो था पहला तरीका। वहीं पे दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो अब आपको अप्लाई करना है कोटक में क्रेडिट कार्ड, क्योंकि कोटक में 18 एज में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और कोटक में अकाउंट है तो बड़े ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। हालांकि कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा, वहां से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब क्रेडिट कार्ड लेने के तीसरा तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं बताने वाला हूं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आप कैसे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ज्यादा अप्रूव होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, चाहे वो को ब्रांडेड का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप बात कर लो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या एचडीएफसी इंडियन ऑयल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड या इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या एचडीएफसी टाटा नेओ क्रेडिट कार्ड, यानी कि कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड जो बैंक और किसी कंपनी द्वारा टाई अप हो, तो बैंक भी चाहता है इशू हो और वो कंपनी भी चाहता है कि हमारा नाम का क्रेडिट कार्ड इशू हो, तो ऐसे में कंपटीशन के चक्कर में वो क्रेडिट कार्ड ज्यादा इशू होते हैं, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड ज्यादा अप्रूव होते हैं। तो इसके लिए करना ये होता है कि कोई जो डेडिकेटेड उनका एप्लीकेशन होता है, जैसे कि टाटा न्यू एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ठीक ठाक शॉपिंग करते हैं तो वहां से टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव आने के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ साथ पेटीएम के ऊपर स्पेंडिंग ठीक ठाक है या यूज करते हैं पेटीएम, तो वहां पे आपको प्री अप्रूव का ऑप्शन आ जाता है। और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अगर प्री अप्रूव में मिल रहा हो तो कोई मैटर नहीं करता आपका सिविल स्कोर है या नहीं है, आपका उस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, बस आपका वीडियो केवाईसी के साथ साथ कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है। और ये जो कार्ड अप्रूव होता है ये उस एप्लीकेशन के ऊपर आपका यूजेस क्या है, किस तरीके का है,
इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कार्ड आपका अप्रूव होगा या नहीं। और प्री अप्रूव में मिला इट मींस पहले से अप्रूव है, बस आप अपना केवाईसी डिटेल दो और कार्ड ले जाओ। वहीं पे पहला क्रेडिट कार्ड लेते समय एक चीज और ध्यान रखें, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड को बिना सोचे समझे ना अप्लाई करें। आप ये देखें कि आपके सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, इस मंथ में इंक्वायरी कितने हैं और जो कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका अप्रूवल चांसेस क्या है। हालांकि मैं रेगुलर वीडियोस बनाते रहता हूं हर महीने कि इस महीने कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं। तो चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट कम हो, लेकिन अगर आपको वो क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप उस क्रेडिट कार्ड को तभी अप्लाई करें जब ज्यादा अप्रूव हो रहा हो। कहने का मतलब है कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है लेकिन वो अप्रूव ही ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उसे अप्लाई करके अपना ही नुकसान करोगे, अपना सिविल में इंक्वायरी लगाओगे फालतू का, जिससे कि आपका सिविल डाउन होगा। चलिए इसी के साथ अगला तरीका की बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो आप ITR के बेसिस पे भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मान के चलिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपका सैलरी है 30,000 लेकिन वहां पे कैश मिलता है, या आपको जो सैलरी मिलता है वो 2-3 बार करके मिलता है, वीकली मिलता है या 15 दिन में मिलता है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय प्रूफ नहीं कर पाते हो क्योंकि कैश में मिलता है या सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ITR काम में आता है। और फिलहाल अभी ITR फिल होना स्टार्ट हो चुका है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ITR फिल करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके ITR फिल करवा सकते हैं। तो मान के चलिए एक तरफ से आपका सिविल भी बन चुका है और सिविल के बेसिस पे कार्ड अप्लाई करते हैं लेकिन वहां पे डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जा रहा है, तो आप ये ITR दे करके भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपना पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। एट द एंड अगर मैं बात करूं मेरा पहला क्रेडिट कार्ड कैसे बना था, तो पहले मैं भी एक्सिस बैंक में 50,000 का FD करा करके सिक्योर क्रेडिट कार्ड लिया था। उसके बाद पहला अनसिक्योर कार्ड मुझे 1 कार्ड मेटल कार्ड मिला, उसके बाद मुझे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला, उसके बाद एक के बाद एक मुझे सिविल बेसिस पे सारे कार्ड मिलते गए और अभी मेरे पास टोटल 60 क्रेडिट कार्ड है। तो देखिए दोस्तों, एंड में एक प्रो टिप्स देना चाहूंगा जिससे आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी बन जाएगा पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड। भाई आपको FD वाला क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा अगर जल्दी से जल्दी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना है। तो FD वाला कार्ड लेते हैं, उसके बाद आपका सिविल बनेगा, सिविल में क्रेडिट कार्ड रहेगा, उसके बाद दूसरा कार्ड अप्लाई करेंगे तो पिछले क्रेडिट कार्ड को देखते हुए अगला क्रेडिट कार्ड बड़े ही आसानी से अप्रूव हो जाएगा। तो यहां पे जितने भी कार्ड का नाम बताया सभी का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।